जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपी का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 32 तक के देखा था। आज का पहला क्वेश्चन और 32वां क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एक समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार अंतर निकालने का रहा है, अर्थात डी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है एक एपी दिया गया है ना, एक एपी है आपका क्या 4, 10, 16, 22 है ना, डॉट 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 इस प्रकार से। डी का मतलब क्या होता है, अगला माइनस पिछला, यानी कि 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, जब किसी अनुक्रम के एपी किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जब एक नियम से लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक नियम के हिसाब से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह एक नियम है। या तो ऐसे लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 1 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, 9 लिख दिया जाए, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं 16 कह देते हैं, 25 कह देते हैं, या एक नियम पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद पता है कि हमें 36 आएगा, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है एक एपी दिया है ना, एक एपी दिया है, एपी कितना दिया गया है 2, 7, 12 डॉट डॉट का हमें कह रहा है, दसवां पद यानी कि t10 बराबर a प्लस कितना होता है 9d होता है, a का मान कितना है 2 और 9 गुने d का मान अगला माइनस पिछला, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 2 प्लस 9 बचे कितना हो गया 45, 45 2 कितना हो गया 47। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सभी क्वेश्चन एक ही लेवल का है कि टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए अब क्लियर करते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34, 35 नंबर में कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी अनुक्रम के पद एक नियत अंतर पर लिखे जाते हैं, यानी कि एक अंतर उसका क्या हो, समान हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इस अनुक्रम को क्या कहते हैं, एपी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं, या समानांतर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बाबू, किसी एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर या एस बराबर, एस एन बराबर कितना होता है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है, डी होता है। या इसी को आप लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस कितना लिख सकते हैं टी एन, और टी एन के स्थान पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, इन दोनों में से कोई भी है ना, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, ठीक है। ध्यान दिए, 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया एपी में है ना, एपी में आपका दिया है ए बराबर आपका दिया है 7, ए 13 बराबर कितना दिया गया है 35, तो हमें निकालने कह रहा है एस 13 बराबर कितना कर रहा है, एस 13 बराबर। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, एन का मान कितना है 13, ए का मान तो पता है ना, अभी मैं बताया था एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, ध्यान दीजिएगा, और एन का मान कितना है 13, एस 13 यहां पर कितना 13/2, यहां पर कितना ए, ए का मान कितना 7, टी एन 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 के स्थान पर कितना 13, और टी 13 या ए 13, टी 13 इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए 13 है ना, इसका वैल्यू कितना है 3, यहां पर कितना 7, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 35, तो 35 ध्यान दीजिए यहां पर से कितना गुना करके हो जाएगा, ध्यान दीजिए 13/2 ये कितना हो गया आपका 42, कितना कट के आया 21, अब गुना कर दिए 13 ही कहें 13 का 3 और 13 के दोनों 26 से कितना हो गया 27, 273 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन वाई कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अगर यही पूछता विषम संख्या का तो n स्क्वायर होता है, कितना होता है n स्क्वायर होता है, आप याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है बी। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एपी में ए बराबर कितना दिया गया, एक एपी दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना दिया है 50, तो एन का मान निकालने का रहा है एन बराबर 60, तो आप बैठा दीजिए ना टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, जो एन होता है बाबू वही क्या होता है टी एन होता है, याद रखिए जो एन होता है वही क्या होता है टी एन होता है। टी एन का मान कितना दिया है 50, ए का मान कितना 50, एन नहीं पता, डी का मान कितना 3, 50 घटा दीजिए कितना बचेगा 45, एन माइनस 1 गुने 3 कटेगा ना, 15 × 3 = 45, एन माइनस 1 इधर चला जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 16, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 40 नंबर हमें दिया गया है एन, ठीक है, एन बराबर दिया आपका 3 + 4n, तो एपी में होगा, हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है एपी, तो ध्यान दीजिए एपी जब यहां कह रहा है तो हम क्या निकालेंगे 1 2 3 4, एक बार कितना रखेंगे हम n का मान कितना रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा ए 1 का मान कितना 3 + 4 × 1, 3 × 4 कितना हो गया 7, ए 2 रख दिए 3 + 4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना हो गया 11, ए 3 बराबर 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पर 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देख लीजिए आपका आ रहा है 7 × 7 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 4 = 19, डॉट डॉट डॉट, ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ आपका दिया है 7, 11, 15, ऑप्शन नंबर कौन है आपका बी है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकतालीस नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का पद 78 है, मतलब एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। आपका दिया 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट डॉट, और कितना दिया गया 78 दिया, तो हमें एन का मान ए बराबर कितना दिया 3, डी बराबर कितना दिया 8 - 3 = 5, और ये टी एन बराबर कितना दिया 78, एन बराबर पूछ रहा है बात निकल जाएगा ना, टी एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 × d, टी एन का मान 78, ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान कितना अभी निकाले यहां से 5, इसको आप इधर घटाइए कितना बचेगा 75, एन माइनस 1 गुने 5 कितना बचे 15 × 5 = 75, एन माइनस 1 इसको इधर भेजिए एन का मान कितना 16 हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए कौन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आपका दिया गया है, क्लियर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यदि किसी एपी में केवल एन पद हो, ए एन अंतिम पद हो, एल बराबर होगा और सूत्र एस बराबर, बस कुछ नहीं दिया, एस बराबर कितना होता, एस बराबर एन बाई 2 इंटू 2a + n - 1 × d होता है, या n by 2 इंटू a प्लस कितना होता है tn होता है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या कह रहा है, इसका केवल n पद हो और n बराबर अंतिम पद l है, tn के स्थान पे कितना l है, tn का मान कितना है l है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस l, a प्लस tn होता है ना, उसी प्रकार क्या हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं, परिमित का मतलब क्या होता है सीमित, जैसे अगर ऐसा दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 बस इतना ही, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं परिमित का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सीमित कहते हैं। लेकिन ऐसा अगर रहे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा भी पता नहीं है, तो ये क्या कहलाता है अपरिमित कहलाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। चौवालीस नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 44 नंबर में दिया गया ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। ये क्या है? एपी का डॉट 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 डॉट, ये एपी का क्या है? सीक्वेंस है, इसी प्रकार से रहता है ना, डॉट डॉट डॉट, एक खाली स्थान निरूपित करता है। ये किसका निरूपित करता है? तो ये समानांतर श्रेणी को निरूपित करता है, समानांतर श्रेणी का। समानांतर श्रेणी का ये क्या है? सामान्य रूप है। समानांतर श्रेणी का क्या है? सामान्य रूप है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 45 नंबर में। एक एपी दिया, ध्यान दीजिएगा, 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से बीसवां पद, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से बीसवां पद निकालने का रहा है। अंतिम से मतलब इधर से चलेंगे तो, अब बताइए जब इधर से चलेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा, ठीक है। और डी का मान कितना होगा? अगला माइनस पिछला ना, तो कितना? अगला 8 है, अब पीछे इधर से जा रहे हैं ना, तो आगे कौन है? 8 है, पीछे कौन है? सॉरी, आगे कितना है? 3, पीछे कौन है? 8। तो 3 - 8 बराबर कितना होगा? -5। ध्यान दीजिए, हमें कितना कह रहा निकालने के लिए? बीसवा पद, यानी कि टी 20 बराबर भाग। तो आप बताइए टी 20 बराबर क्या कहेंगे? ए प्लस 19 डी। ए का मान कितना? यहां से ध्यान दीजिएगा, 253 प्लस 19 गुने डी का मान कितना? 5। 253 19 बचे कितना होता है? 95। आप घटा दीजिए कितना बचेगा आपको? 13 में से 5 गया कितना? 8। और यहां 14 में से 9 गया था, 9, 5, 14। यहां कितना बचेगा? 1, 158 है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। में आपका क्या कह रहा है? 46 नंबर में दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। पीछे यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था। 0 से ध्यान देगा, 0 से आप लिखने गए 0 और 50 के बीच, तो आप क्या लिखेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 49 तक ना। तो अब बताइए 0 से 50 तक में 25 होगा सम, 25 क्या होगा आपका? विषम, यानी n का मान कितना आ जाएगा आपका? 25। और विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि 25 के स्क्वायर कितना हो गया? 625। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं हो जाएगा आपका डी, 47 नंबर क्वेश्चन। हमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए के प्लस 1 में पदों की संख्या कितना है? तो यही होता है an में पदों की संख्या कितनी होती है? पदों की संख्या an में कितना होता है? n होता है। तो यहां n के स्थान पे कितना दिया? k प्लस 1, तो पदों की संख्या हो जाएगा k प्लस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी एट नंबर में आपका कह रहा है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होगी? 3 अंक वाली जो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये आप निकालिए, 3 अंकों वाली संख्या शुरुआत कहां से होती है? 100 से होती है ना, लेकिन हमें निकालना है 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे बड़ा आराम से, क्या 101 7 से कटता है? 13 7 91 13 8 74 14 7 14 50 7 74 98 15 7 75 से, ध्यान दीजिएगा 15 7 75। सबसे पहली संख्या जो होगी 105 होगी, जो किससे कटेगा? 7 से कटेगा। उसके बाद कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, आप इसमें कितना जो 7 जोड़े चले गए तो कितना हो गया? 107 जोड़ दिए तो 5 7 5 12। फिर आप इसमें कितना जोड़िए? 7 दोजिए तो कितना हो जाएगा? 119 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना है सबसे अंतिम में 3 अंक वाली सबसे अंतिम में कौन होगा? ध्यान दीजिए, तो 1000 हम लेते हैं,
सॉरी 1000 हम लेते हैं। अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से आप भाग दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो 7 इकाए 7, समझने की कोशिश कीजिए कितना बचा, 3 30, सच्चों के कितना 28, कितना हो गया सच्चों के 28। अब समझने की कोशिश कीजिएगा सच्चों के 28 कितना बच गया, 2 0, फिर यहां कितना हो गया 7 के दूनी 14, कितना हो गया, यानी कि 142 बार में कट रहा है, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, उसे 142वां कौन होगा, तो 142 गुने आप कितना कर दीजिए 7 कर दीजिए, आपसे निकल जाएगा, कितना हो गया 7 के दूनी 14 के 4, ठीक है। और 14 98, 98 एक कितना होता है 99, 98 एक 99, और 7 जोड़िएगा तो 1000 कितना आ जाएगा, 1000 7 चलेगा 1000 एक ना, यानी अंतिम में आपको आ गया 994। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, इतना निकाल लिए ठीक है। अब हमें क्या करना, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान निकालना है। a बराबर 105 है ना, d बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7, tn बराबर 994, एन बराबर वाट। जब भी इस प्रकार के संख्या कहे निकालने तो ऐसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट में भी बनता है ठीक है। अब यहां से निकालिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का मान कितना 994, a का मान कितना 105 प्लस n का मान नहीं पता है कुने, d का मान कितना 7, आप इधर घटा दीजिए तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुने कितना हो गया 7, आप घटाइए कितना बचेगा 9, 14 में से 5 गया, 9 5 14, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना है 9, 9 में से 1 गया कितना 8। अब बताइए ये 7 आएगा बटा में बराबर एन माइनस 1, 7 से आप भाग दे दीजिए कितना बार में लगेगा, तो 7 इकाई 7 एक बार में बच गया 1, 18 सत के दूनी 14, 4 सत्ते 49, 127 बराबर एन माइनस 1 इधर भेज दीजिए तो एन का मान हो गया 128 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 49 देखते हैं, उनचास नंबर क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, एक एपी में आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा एक एपी आपका दिया गया है, क्या दिया है ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन में, पूछ रहा है ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू क्या होता है, अरे डी होता है, सर्व अंतर होता है अगला माइनस पिछला, ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू क्या होता है, डी होता है, सर्व अंतर होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बी ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, क्रमागत पदों की है ना, क्रमागत माने दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना होगा ए, इसको मैथ में लिखा है, इसको हिंदी में बोला है और कुछ नहीं कहा है। 51 नंबर क्वेश्चन, एक एपी दिया गया है 2 8 14 डॉट डॉट डॉट, दसवां पद होगा, दसवां पद ध्यान दीजिएगा टी टेन बराबर ए प्लस 9 डी, ए का मान 2 9 गुने डी का मान 8 में से 2 गया 6 9 6 54 और 2 कितना होता है 56 होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा है ना, क्लियर करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है, हमें एक एपी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है, एक एपी दिया गया है रूट 3 रूट 27 रूट 243 का सार्व अंतर कितना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 ही, 27 को 3 रूट कितना लिखेंगे 3, 47 को कितना 247 कितना 81 दिया होता है ना, इसको कितना लिख सकते हैं 5√3 ठीक है, आ जाएगा इतना ही 3 3 9 3 27 3 41 3 1 2 3 4 5 ठीक है। अब बताइए यहां से डी बराबर अगला माइनस पिछला 3√3 माइनस √3 कितना बचेगा, यहां से 2√3 बचेगा,
अगर हम यहां से निकालेंगे तो 5√3 − 3√3 कितना बचेगा, 2√3। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपका इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या दिया गया, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद टीएन, टीएन का मान दिया गया है, टीएन बराबर कितना दिया गया है, 4n + 3, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, t2 − t1, ठीक है, t2 − t1। तो हम पहले निकाल लेते हैं t1 निकाल लेते हैं, तो 4 × 1 + 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, t2 4 × 2 + 3 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। अब बताइए d बराबर कितना होता है, t2 − t1 आप निकाल दीजिए कितना, 11 − 7 बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, हमको दिया है √5, √√125 और √√3125। क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर ये समानांतर श्रेणी में, तो सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर श्रेणी में है या नहीं। रूट फाइव इसको लिखेंगे 5√5, इसको कितना लिखेंगे 25√5। आप इसको तोड़िएगा, आप पहले इसको समझिए, है ना, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 25, रूट से बाहर कितना निकल जाएगा 5√5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 625, 625 = 625, 31 25। अब इसका निकालिएगा तो इससे कितना निकलेगा, 1/5 कितना निकला, 2/5 1/5 रह गया ना, तो कितना आएगा 25√5 निकलेगा। अब बताइए क्या सभी जगह सार्व अंतर समान है जो एपी में होगा, नहीं ना, तो ये एपी है ही नहीं, एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कोरेक्शन होगा, है ना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, −10 − 6 − 2 अगला पद कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 10 + 4 − 10 + 4 − 6 + 4, तो −2 + 4 कितना होता है, 2, कितना होता है 2। अगला पद निकालने के लिए कह रहा था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं, 56 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया, किसी समानांतर श्रेणी के निर्माण में खाली स्थान एवं सार्व अंतर की जानकारी होनी चाहिए, प्रथम पद है ना, क्या होनी चाहिए, प्रथम पद और क्या होनी चाहिए, सार्व अंतर होनी चाहिए, तब ने टीएन बराबर आप लिखेगा a + n − 1 × d, है ना, और नहीं तो आप ऐसे निकालते हैं a + d a + 2d a + 3d, सामान्य रूप ही होता है ना, तो प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्व अंतर पता होना चाहिए। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 56 का आंसर कितना होना चाहिए, है ना, प्रथम पद किसमें दिया है, सी नंबर में दिया है, 57 नंबर देखिए आप क्वेश्चन। अब पूछ रहा है एक अनुक्रम दिया है, 2 − 2 2, फिर दिया है −2 और 2, एपी में है, कभी नहीं एपी में होगा, एपी का मतलब क्या होता है, सभी जगह सार्व अंतर समान होनी चाहिए। यहां देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 4, फिर इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना दिया है, −4, यहां पर कितना दिया है, 4, ये तो होगा नहीं होगा, तो एपी में होगा नहीं होगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, एक दिया है आपका 3, फिर आपका दिया है 3 + √2, फिर आपका दिया है 3 + 2√2 का सार्व अंतर निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो सार्व अंतर अगला माइनस कितना होता है, पिछला होता है, तो 3 + √2 − कितना जाएगा 3, ये दोनों कट गया ना, कितना बचेगा, √2 बचेगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा, तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए √2 किसमें दिया है, है ना, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। अगला माइनस यहां से भी आप निकाल सकते थे, इन दोनों से भी। चलिए हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, 59 क्या दिया है, 59
59 क्वेश्चंस में दिया है एपी का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप ही ना होता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए 60 नंबर क्वेश्चन। एपी के एन पदों का योगफल खाली स्थान जब सार्व अंतर शून्य हो, डी का मान शून्य हो, तो आप एसएन बराबर फॉर्मूला एन बाई टू इंटू कितना होता है सार्व अंतर शून्य है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है d का मान कितना है शून्य है, तो वैल्यू पुट कर दिए कितना 2a प्लस एन माइनस वन गुने शून्य, तो ध्यान दिए n बाई टू गुने यहां कितना बचेगा ये पूरा शून्य हो जाएगा ना, तो 2a 2 से 2 कट गया कितना बचेगा एन ए, एन ए किस ऑप्शन में आपका है ऑप्शन नंबर कौन है बी है, ये तो 60 तक हो गया ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 61 में आपका क्या कह रहा है, एपी का प्रथम पद आपको ज्ञात है, ठीक है, एपी का प्रथम पद ज्ञात है यानी कि ए बराबर आपको पता है 4, डी का मान कितना पता है 3, नौवां पद टी 9 बराबर ए प्लस 8 डी, ए का मान 4, 8 गुने माइनस 3 कितना हो गया माइनस 24, कितना बचा आपका माइनस में 20, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सर्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है 1/3 5/3 9/3 13/3 निकाल दीजिए अगला माइनस पिछला 5/3 1/3 कितना बचेगा 4/3 देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में भी निकालने के लिए कह रहा है आपका अगला पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दिया कितना √3 √12 कितना दिया है √27, तो अगला कितना होगा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं √3, ये किसको लिख सकते हैं चर तिया 12 तो 2√3 27 नोतिया 27 3√3 तो अगला कितना होगा 4√3 यानी कि 4 अंदर जाएगा तो कितना भर आएगा 16 है ना 16 तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 48, आप देख लीजिए रूट अंडर 48 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में दिए, जैसे यहां समझिए यहाँ चार तिया 12 4 से कितना निकला 2, 9 तिया 27 9 से कितना निकला 3, इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, तो जब 3 अंदर जाता है इसका मतलब 9 बन के जाएगा ना रूट के अंदर में, तो 4 गया तो 4 चौके 16 और 16 तिया कितना हो गया 48, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, चौसठ नंबर में आपका क्या दिया गया है 3a-1 3a-14 ये दो ही है, ठीक है तीन है ये, ए ये तीन एपी है, तो ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान दिए जब तीन एपी पता होता है जैसे इसको हम लोग कहते हैं मान लिया ए, इसको हम लोग कहते हैं बी, इसको हम लोग कहते हैं सी, तो बी बराबर कितना होता है ए प्लस सी वाई टू, कितना होता है ए प्लस सी वाई टू होता है, ध्यान दीजिए अब b का मान कितना दिया है a माइनस वन, a का मान कितना है 3 प्लस c का मान कितना है 3a-14 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब इसको इधर भेज दिए तो 2a-2 बराबर कितना 3a, अब इसमें घटा दीजिए कितना बचेगा 11, अब इसको इधर भेज देते हैं तो कितना बचा a, इसको इधर भेज देते हैं कितना तो माइनस 2 और प्लस 11 कितना बचा 9 बराबर a, a का मान कितना हो गया 9, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 64 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में आपका क्या कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 10.7.4 .. का तीसवां पद T30 बराबर कितना होता है a प्लस 29 डी, a का मान 10 29 गुने डी का मान अगला माइनस पिछला तो 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा माइनस 3, 10 29 से कितना हो गया 87 कितना बचा माइनस में 77 देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माइनस में 77 सी, शायद पीछे ऐसा क्वेश्चंस आया था यही वाला। 66 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है 4 10 16 22 .. का अगला पद कितना होगा तो 4 6 10
दस छो सोलह, सोलह छो बाईस, बाईस छो कितना हो जाएगा अट्ठाईस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। सड़सठ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दिया गया एपी तीन एक माइनस एक तीन डॉट का सार्व अंतर, अगला माइनस पिछला, अगला कितना एक पिछला कितना तीन, कितना बचा माइनस दो, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका कितना हो गया डी आंसर। चलिए ठीक है, अड़सठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे दिया गया है, बस 68 नंबर में ध्यान दीजिए, 68 नंबर में आपका दिया है आठ के पंद्रह गुणज, आठ के यानी आठ ही का आठ का योगफल पूछ रहा है, आठ आठ दुनी सोलह, आठ तिया चौबीस, आठ चौके बत्तीस, इन होगा डॉट 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 डॉट, ये कितना जाएगा पंद्रहवा, तो पंद्रह अठी कितना होता है 120। आप इसे कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिए, सही से हम क्या करते हैं आठ कॉमा था, कितना बचेगा एक प्लस दो प्लस तीन डॉट डॉट डॉट, कितना बचेगा पंद्रह, नहीं हो जाएगा आठ ही कहीं आठ, आठ दुनी सोलह, आठ तीन चौबीस, पंद्रह अठी बीस। अब आता है आठ गुने ये एन का पार, आप जानते हैं एन, एन लगातार संख्याओं का योगफल, ठीक है कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन का मान कितना है आपका पंद्रह है ना, तो आठ गुने एन का मान पंद्रह गुने पंद्रह प्लस एक बटे दो, दो से ये कट गया, पंद्रह गुने सोलह, आप गुना कर दिए पंद्रह छह का नब्बे के जीरो, कितना हुआ पंद्रह छह का नब्बे के जीरो, पंद्रह एक है पंद्रह, और पंद्रह और नौ कितना होता है चौबीस, कितना होता है पंद्रह नौ चौबीस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा 68, कहीं कुछ गलती किए हैं। अभी चार तो छूट ही गया, यहां दो चौके आठ होता है, तो चार गुने पंद्रह गुने सोलह, ठीक है तो पंद्रह चौके साठ, साठ गुने छो सोलह छह का कितना छियानवे, नौ सौ साठ, ध्यान दीजिएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उनहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 69, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य होगी, दो अंक वाली होनी चाहिए और तीन से विभाज्य होनी चाहिए, उसको हमें ज्ञात करना है। तो दो अंक वाली संख्या शुरुआत कहां से होती है दस से, जाती है कहां तक के निन्यानवे तक के, ध्यान दीजिएगा। अब तीन से कटने वाला हमें निकालना है, तीन से कटने वाला इसका मतलब पहला कितना, तीन चौका कितना होगा बारह, तो तीन होगा और अंतिम कितना होगा निन्यानवे होगा, बारह होगा पंद्रह होगा अठारह होगा डॉट डॉट कहाँ होगा निन्यानवे, तो ध्यान दें ए का मान कितना हो गया बारह, डी का मान पंद्रह माइनस बारह कितना डी, और टी एन अंतिम बराबर कितना निन्यानवे, एन का मान ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन एक बनाए थे, शॉर्ट में भी बना सकते हैं लेकिन आप आराम से ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए, हमें कितना निकालना है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का मान कितना निन्यानवे, ए का मान कितना बारह, एन नहीं पता, डी कितना तीन, ठीक है आप इसको घटा दीजिए बारह, ठीक है बारह घटाइए कितना बचेगा आपका, तो बारह घटा दीजिए सात दो नौ, एक कितना बचेगा आठ, एन माइनस वन गुने तीन, तीन से काटिए तीन दुनी छ, नौ दिया सतास उन्तीस दिया सतासी, एन माइनस वन, एन का मान कितना हो गया उन्तीस एक तीस, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है क्या आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 69 तक के आप बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर वाला पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।